दुबई काली में वार्ड नंबर 7 एक बड़ा दुर्घटना हुई थी। 2 मासूम बच्चे स्कूल को आकर बाहर खेलने गए और एक ओवरहेड टैंक जहाँ बन रहा था वहाँ पे बड़ा गड्ढा बना था, वहाँ पे पानी आकर पानी भरा था, 10 से 15 फीट पानी है बोल रहे, वहाँ पे 2 बच्चे वहाँ पे गिरकर अपना जान गंवा दी। इसका पीछे का मैं थोड़ा सुनाता हूँ। इससे पहले हमारे चंदू पाटिल यहाँ के मेयर, हमारे कॉरपोरेटर और सब लोग मिलकर कॉरपोरेशन कमिश्नर को बताए थे कि यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पे सही करो। तो कमिश्नर साहब ने भी उनको एलएनटी वाले को बुलाकर उनको बताया कि इसको जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन, लोगों को क्या गलत कुछ खतरा ना हो ऐसा प्रोटेक्शन दो। वो बोलने के बावजूद भी एलएनटी वाले इसको नेगलेक्ट किए, ये नेग्लिजेंसी से हुआ सो है। इसको हमारे पूरे यहाँ पे पार्टी जात गीत कुछ नहीं है, सब मिलकर यहाँ पे वो जो 2 घर के 2 इनोसेंट जान गंवा गई उनके लिए हमारे चंदू पाटिल नेतृत्व लेकर वहाँ पे जो कुछ वहाँ पे वो सब हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था वहाँ पर, चंदू पाटिल ने उनको बच्चों को पोस्टमार्टम कराकर आज उनको आज LNT से 10-10 लाख देने के लिए उनसे अश्योरेंस लिया है। और उनके उनके घर में जो उनके बच्चों के पिताजी को जो बैकवर्ड और गरीब लोग हैं उनको नौकरी देने के लिए भी ये प्रेजर कर रहे हैं। हमारे मेयर भी एक मीटिंग करके उनको वार्निंग दिया है। और हम लोग भी, मैं भी जब दिल्ली में था चंदू पाटिल साहब और यहाँ के मुझे फ़ोन किए थे तो नितिन गडकरी साहब से भी जिक्र हुई, डिस्कशन हुआ। नितिन गडकरी साहब भी बोले LNT जो ब्लैक स्पॉट यहाँ पे है उनको ऑफिसरों को भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी करता हूँ, उनके ऊपर केस बुक करेंगे और उनको कॉम्पनसेशन देंगे, वो दलिया है। आज चंदू पाटिल साहब और मैं BG पाटिल साहब के साथ यहाँ पे आया हूँ, वो भी नहीं थे गाँव में। मैं भी पार्लियामेंट कल ख़त्म करके चंदू पाटिल साहब हमको बोले थे मैं पहला आऊँगा यहाँ पे आए, उनका हालत देखा, रहने का घर का भी व्यवस्था ठीक नहीं है। हम मेयर को उनको भी बोले घर का भी इनको जो कानून में जो है वो भी घर को करा के देने के लिए हम रिक्वेस्ट किए हैं। सर, उत्तर क्षेत्र में जो रिंग रोड आती है उसकी भी स्थिति बहुत खराब है, लंबे समय से समस्या हो रही है, कई जाने वहाँ पे जा रहे हैं, वो भी LNT। देखो आप हर वक्त बहुत सेंसिटिव इशू उठाते हैं, आपको मालूम है हम खूब ठहर कर वहाँ पे सर्विस रोड और घाघर का काल लिखकर वाइडनिंग कराए और वहाँ पे ड्रेनेज भी करा है, सिग्नल लाइट का सिग्नल भी करा है। वहाँ एक ओवर है, वहाँ पे एक फ्लाई ओवर चाहिए, वहाँ ज़रूरी है। और वहाँ जो सर्विस रोड के लिए भी इसके बाद में इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन हुआ और 4 दिन पहले बहुत सीरियस डिस्कशन हुआ सर्विस रोड। हमारे DC को भी मैं बात किया हूँ, वहाँ पे जो पोल्स है ये सब उसको हटा कर ये इमीडिएटली सर्विस रोड सही करने के लिए हमने, मैं सबको ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ के व्यापारियों को, लोगों को सरकार से कोऑपरेट करो, जगह छोड़ो, स्मूथ ट्रैफिक जाने के लिए मौका दो। बोलते बोला सर, अभी रोड की स्थिति खराब हुई है, मेल्ट हो गई है रोड, LNT पैचअप करा रहा है लेकिन इन दिनों कई एक एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ। देखो इसके बारे में कल ही हमारे DC ने मीटिंग लिया है और इसके बारे में उनको क्या क्या करना इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप लोग भी मीडिया वाले भी इसके बारे में बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, इसके बारे में इसको अच्छी जल्दी से यहाँ पे सब सही करने के लिए हम कोशिश करें।